आज पीपल फार्म के किचन से मैं आपके साथ एक मीठी ठंडी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम सब जो आइसक्रीम लवर्स हैं उन्हें पता है कि आइसक्रीम का मजा सिर्फ गर्म मौसम में नहीं उठाया जाता, उसे सर्दियों में भी हम लोग इंजॉय करते हैं। तो आज की जो रेसिपी है हम सब कॉफ़ी लवर्स को भी पसंद आएगी, क्योंकि मैंने ये जो कुल्फ़ी की रेसिपी बनाई है उसमें मैंने कॉफ़ी का भी इस्तेमाल किया है। चलिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम पतीले में आधा लीटर मूंगफली का दूध लेंगे। मूंगफली का दूध बनाने की रेसिपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस दूध को हम मीडियम हीट पर 5 से 7 मिनट तक गर्म करेंगे ताकि ये जो दूध है ये और भी गाढ़ा हो जाए। इसमें आप फिर 2 छोटी हरी इलायची डाल दीजिए। कुल्फी में थोड़ा सा रंग ऐड करने के लिए मैंने चुकंदर का पाउडर लिया है। 1 चम्मच चुकंदर के पाउडर को आप गुनगुने दूध के साथ अच्छी तरह से घोल लीजिए ताकि जब आप ये दूध में ऐड करें तो उसमें किसी भी तरह की गांठें ना बन जाएं। इसको दूध के साथ मिला लीजिए और फिर 1 छोटा चम्मच वेनिला एक्सट्रैक्ट का उसमें डाल दीजिए। अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डालिए और फिर इसको अच्छी तरह से मिला लीजिए दूध में ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से घुल जाए। अब हमारा दूध हो गया है तैयार। इसको हम थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और तब तक हम अपनी कॉफ़ी रेडी कर लेते हैं। डालगोना कॉफ़ी बनाने की जो रेसिपी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप कोई भी कुल्फ़ी बनाने के जो बाज़ार में मोल्ड मिलते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप कोई भी कांच के छोटे साइज़ के गिलास भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मोल्ड में तैयार किया हुआ हम दूध डालेंगे और फिर दूध के ऊपर एक नेक्स्ट लेयर हम डालेंगे जो हमारी डालगोना कॉफ़ी की है। उसके बाद हमने उसमें लकड़ी के चम्मच लगा दिए हैं ताकि हमारे लिए कुल्फ़ी को निकालना और खाना दोनों आसान रहेगा। इन मोल्ड्स को आप फ्रीज़र में ओवरनाइट सेट होने के लिए रख दीजिए। अब ये जो कुल्फ़ी है ये अच्छी तरह से फ्रीज हो चुकी है। अब इसे निकालने के लिए हम एक छोटे बर्तन में गुनगुना पानी लेंगे और जो मोल्ड है उसे 1/2 से 1 मिनट के लिए उस पानी में डाल देंगे ताकि जो कुल्फ़ी है वो मोल्ड से अलग हो जाए और कुल्फ़ी निकालने में आसानी हो। अब ये कुल्फ़ी रेडी है। इसे आप चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट के साथ या कटे हुए पिस्ते के साथ गार्निश कर सकते हैं। अगर ये कुल्फ़ी बनाने का नया तरीका आपको पसंद आया हो तो आप इसे औरों से भी शेयर करिएगा, या अगर आप ये किसी नए तरीके से बनाते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।